असलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन और बजीद वर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में बिजी होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो लव बर्ड की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाने के हवाले से है कि मेरे लव बर्ड ने माशाल्लाह से सेकेंड ब्रीड जो है वो कर ली है। इन्होंने पहले एग दिए हुए थे, वो उनमें से एक दो एग ख़राब हो गए, बाकी जो बचे हैं जिसमें से तीन या चार बच्चे निकल चुके हैं इस वक्त, तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और माशाल्लाह से मेरे पास इनकी सेकंड ब्रीड है, पहले मैंने वीडियो शेयर की थी आपके पास, अब बच्चे निकले हुए हैं, मैंने एक दो दिन पहले ही देखे हैं, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और बात मैं आप तमाम दोस्तों को कहना चाहूँगा, व्यूवर्स को कहना चाहूँगा, फ्रेंड्स देखें, अगर मैं ऑनलाइन नहीं होता तो इससे प्रॉब्लम थोड़ी होती है आप लोगों को भी, यानी प्रॉब्लम होती है, तो उससे अच्छा ये है कि हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक शेयर किया हुआ होता है व्हाट्सएप ग्रुप का और इसका क्या कहते हैं फेसबुक ग्रुप का, तो वहाँ पे आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे। काफ़ी व्यूवर्स हैं जो कि एक्सपर्ट हैं ग्रुपों में, यानी कि एक्सपर्ट हैं, वो काफ़ी तजर्बा है उनको, काफ़ी अच्छे से उन्होंने बढ़ रखे हुए हैं। और कुछ भाइयों के चैनल्स भी हैं यूट्यूब पे, तो भाई इस तरह अगर आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर मैं नहीं भी आपको अपडेट कर पाता तो ग्रुप में आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपके बर्ड को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। उम्मीद है ये आप अगर अप्लाई करें, इस तरह से आप करेंगे तो आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि काफ़ी बार मैं ऑनलाइन नहीं होता तो फ्रेंड्स शिकायत करते हैं, तो मैं उनका बड़ा समय माजरत खाऊँ कि काफ़ी बार मैं ऑनलाइन वाकई नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी चलते हैं इनकी मटकी की तरफ अंदर, तो दिखाता हूँ आपको माशाल्लाह से इनकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो ये चलते हैं अभी इनके अंदर। फ्रेंड्स ये अब हम अंदर आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, ये माशाल्लाह से एक दो, एक शायद है या दो बच्चे हैं, मुझे नज़र नहीं आ पा रहे, मेरे ख्याल में एक है, मुझे एक नज़र आ पा रहा है। मैं मटकी का ढक्कन हटा के दिखाता हूँ आपको कि कितने हैं या और कितने हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इस बार इसमें मुझे काफ़ी लगता है कि इसमें से दो या चार एग ख़राब हो गए हैं, क्योंकि इस बार पाँच छः छः एग दे दिए इन्होंने। तो हम चेक करते हैं, फर्स्ट टाइम जो इन्होंने ब्रीड की थी वो थी, इन्होंने चार एग दिए थे, चारों में से बच्चे निकले थे। तो अभी मैं क्या कहते हैं कि इसके ढक्कन उठा रहा हूँ मटकी का, तब तक मुझे वीडियो स्टॉप करनी होगी। ये देखें फ्रेंड्स, एक और आप देखें, आप मुझे नज़र नहीं आ रहा, आप चेक करें कि कितने बेबीज़ हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है इसमें से दो या चार एग ख़राब हो चुके हैं, बट एनी और ना होने से तो बेहतर है, क्योंकि ये जो पट्ठे हैं ये घुस जाते हैं इसके साथ, तो अभी मैं पट्ठों को दो चार दिन में अलग कर दूँगा। आप देख रहे हैं या नहीं, मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ आपको दूसरे एंगल से दिखाऊं, क्योंकि फीमेल जो है वो एक ही जगह पे फिक्स हुई हुई है, या मैं कोशिश करता हूँ उसे बाहर निकालूं। ये देखें फ्रेंड, आप फीमेल बाहर आ चुकी है, तो आप देखें फ्रेंड दो बच्चे हैं, दो बेबीज हैं लव बर्ड के, और बाकी मेरे ख्याल में ख़राब हो चुके हैं, या वो दूसरी साइड पे जो एग पड़े हैं वो ख़राब लग रहे हैं, इस साइड पे जो एग हैं इसमें मुझे चांसेस हैं एक या दो में से बच्चे निकल आएँ। फ्रेंड्स अभी मैं इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं इन्हें ढक देता हूँ, क्योंकि फ़ीमेल बाहर आ चुकी है, तो फीमेल ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, फिर वो बच्चों को गिरा देती है बाहर, तो हम इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो अब बाहर आ जाते हैं। तो अब ये हम केज के भी बाहर आ गए, और ये सामने आप देख रहे होंगे चावल हैं, तो मैंने आज जब देखा कि इनके बेबी निकले हुए हैं, तो यानी कि मैं इनको सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ, जो उबले हुए चावल हैं बेहतरीन चीज़ें इनके लिए, जब किसी भी बर्ड के बेबीज निकले हों, भले बजीज हों, कॉकटेल हों, लव बर्ड हों। फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरे बर्ड की जो प्रोग्रेस है वो मैंने आपके साथ शेयर की है वो भी आपको पसंद आएगी। और काफ़ी व्यूअर्स ये भी पूछते हैं कि भाई हमारे बर्ड जो हैं वो जब बच्चे देते हैं तो हम देखते हैं तो वो अंडे वगैरह या बच्चे बाहर गिरा देते हैं। फ्रेंड्स तो कौवा बर्ड आपसे डरते होंगे, आप अगर इनको थोड़ा यानी कि प्रैक्टिकली रखें या थोड़ा इनके साथ खेलते रहें जब आप लाते हैं, तो फिर ये डरेंगे नहीं आपसे, तो ये अपनापन महसूस करेंगे, ये इतने आपसे डरेंगे नहीं, तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं
और बर्ड को यानी कि उनकी प्रोग्रेस वगैरह भी चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी मैंने आपके साथ की। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी वीडियो बनाऊं किसी टॉपिक पे, तो आप मुझे वो टॉपिक सेंड